बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग यूनिट नंबर 3, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखा था, जिसमें एपिडर्मस को डिस्कस किया था और एपिडर्मस के बाद मेसोफिल को डिस्कस किया था, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैस्कुलर बंडल्स। मेसोफिल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अपर और लोअर एपिडर्मस के बिटवीन कुछ ग्रीन कलर्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ ग्रीन कलर का एरिया होता है जिसको मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और इसका काम क्या है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करना है और फोटोसिंथेसिस यानी फूड बनाने में हेल्प करना है प्लांट्स की। वैस्कुलर बंडल्स क्या हैं? वैस्कुलर बंडल्स ज़ाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को कहते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेसोफिल टिश्यू इज़ मेड ऑफ वैस्कुलर बंडल। सेंट्रल पार्ट जो होता है, ये देखेंगे आपको सेंट्रल पार्ट इसका नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये जो ब्लू कलर के मूविंग पार्टिकल्स कुछ नज़र आ रहे हैं, ये ज़ाइलम, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये ज़ाइलम टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, इस डायग्राम में, तो ये देखेंगे आपको यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं। ये वाला सारा एरिया जो है, ये वैस्कुलर बंडल्स हैं। टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ज़ाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, ज़ाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। ज़ाइलम टिश्यूज क्या करते हैं, जो वाटर को कंडक्ट करते हैं, वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं और आगे ऊपर वाले पार्ट्स में लेके जाते हैं, एरियल पार्ट्स में लेके जाते हैं, उनको ज़ाइलम टिश्यूज कहते हैं। ज़ाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। एंड फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और फ्लोएम ने क्या करना है, अब हमें पता है कि लीव्स में फूड बनती है, अब लीव्स में फूड प्रिपेयर हो गई है, तो अब प्लांट्स क्या करेंगे, फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू उस फूड को, उस प्रिपेयर फूड को दूसरे पार्ट्स में लेके जाएंगे, जहाँ पे फूड की ज़रूरत होगी, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो किसके थ्रू जाती है, वो फ्लोएम टिश्यूज़ के थ्रू जाती है। नेक्स्ट, ये एक पिंक बॉक्स है। व्हाई डज अ लीफ लुक ग्रीन? द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल शोज थ्रू द क्लियर एपिडर्मस। दिस क्लोरोफिल हेल्प्स टू मेक फूड। लीफ ग्रीन कलर के क्यों नज़र आते हैं, लीफ ग्रीन कलर के इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और फूड बनाने में हेल्प करता है। तो बस ये इतना जो आपका टॉपिक है, यही लर्न करना है आप लोगों ने। असाइनमेंट क्या है आपकी, इसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट अ नोट ऑन वैस्कुलर बंडल्स, तो ये आपने पूरे का पूरा बॉक्स लिखना है, ठीक है। ये फाइव लाइन्स हैं, ये फाइव के फाइव लाइन्स लिखने। लेकिन अगर आपसे पूछ लें डिफाइन ज़ाइलम टिश्यूज़ या डिफाइन फ्लोएम टिश्यूज़, तो इसमें आपने ज़ाइलम टिश्यूज़ को अलग लिखना है। ज़ाइलम टिश्यूज़ का क्या आएगा, ज़ाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव। और अगर आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन फ्लोएम टिश्यूज, तो आपने इसका क्या लिखना है, आंसर फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो गए, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डज अ लीफ लुक ग्रीन। इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये जो पिंक बॉक्स है, इसमें क्वेश्चन है व्हाई डज अ लीफ लुक ग्रीन, तो इसका ये पूरा का पूरा बॉक्स इसका आंसर है, ठीक है ना। ये पूरा बॉक्स आपने इसका लर्न करना है और राइट भी करना है, यही आपकी होम असाइनमेंट है। लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, राइट अ नोट ऑन वैस्कुलर बंडल्स, डिफाइन ज़ाइलम टिश्यूज, डिफाइन फ्लोएम टिश्यूज, एंड व्हाई डज लीफ लुक ग्रीन। Thank you very much and Allah bless you all.